नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सनम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। पेयजल किल्लत से जूझ रहे रोजेदार, नगर पंचायत पर सुनवाई न करने का आरोप। धर्मनगरी गोवर्धन में रमजान माह में रोजेदार पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। आरोप है कि नगर पंचायत के चक्कर काटने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबह होते ही घर की महिलाओं को पेयजल के लिए दूसरों के घरों पर पहुंचकर पानी लेकर आना पड़ रहा है। कस्बा के कसाईबाड़ा मोहल्ला में मुस्लिम बस्ती है। मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम दोनों ही निवास करते हैं। मोहल्ले के नागरिकों का आरोप है कि बीते करीब 20 से 25 दिन से मोहल्ले में पानी की सप्लाई एकदम रुक गई है। मोहल्ले के मुस्लिम आबादी रमजान माह के चलते रोजे कर रही है मगर पेयजल नहीं मिल पा रहा है। मोहल्ले की महिलाओं जरीना, नगीना, राबिया, परवीन, गुड़िया, नग्गो सहित गुड्डन व अकील कुरैशी ने बताया कि रोजेदार परेशान है, पानी ना पीने को मिल रहा है ना नहाने को। नगर पंचायत अध्यक्ष व ईओ से मिलकर कई बार समस्या बता चुके हैं मगर आश्वासन देकर टरका देते हैं। मोहल्ले की ही नागरिक सुशीला अग्रवाल, शिवपाल अग्रवाल भी पानी न आने की बात कहते हुए अपनी पीड़ा बयां करते हैं। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि गर्मी बढ़ते ही पेयजल की किल्लत बढ़ने लगी है, तो वही रमजान माह में रोजे रह रहे रोजेदार भी समस्या से जूझ रहे हैं। मीडिया प्रभारी ललित अग्रवाल, आगरा मंडल ब्यूरो चीफ, क्राइम रिपोर्टर धर्म सिंह ब्रजवासी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है आपकी? कौन सा मोहल्ला है? तो कब से नहीं मिल रहे नल आपको? दो महीने से हो गया और अब तो 15 दिन से ज्यादा ही परेशान हो रही है। रोजे चल रहे हैं हमारे, यहाँ तो सोचे क्या होगा। कसाईबाड़ा में ऐसे नीचे सफर नहीं बिल्कुल ही, सब बात से परेशानी। बत्ती बत्ती नहीं मिले, नल नहीं मिले, यहाँ पे पानी नहीं, पानी समस्या बड़े बुढ़े बहु बेटी हमारे घर में से निकलती नहीं निशानी। हम कांडोले बड़े बड़े पानी के लिए दूर जा रहे हैं, पानी 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 ना मिल रहा है। मैं कल गया। क्या नाम है आपका? गुड्डन। कहाँ रहते हो? कसाईपाड़ा। क्या मामला है? ये पानी का मामला है। क्या पानी बात को कम से कम 15 दिन हो गए। 15 दिन में मैं कम से कम 4 बार चेयरमैन साहब के पास गया था। हाँ कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। फिर मैं कल गया था, मैं साहब ऐसा लाइट बाहर बंद करवा दो आध घंटे के लिए तो पानी अंदर आ जाता है, नहीं वहाँ मोटर चल जाती है बाजार में तो अंदर पानी नहीं आता है, लाइट आती है। तो मैंने फिर ईओ साहब से भी शिकायत करी थी, ईओ साहब ने उनको लेटर उसको लिख के दे दिया। फिर मैं बिजली घर गया, बिजली घर जाने के उनको रिसीव करवा SDO साहब से करवा के उनको दिया था, बोलो कल से लाइट बंद हो जाएगी आध घंटे। फिर आज भी नहीं मिला पानी, पानी अभी भी नहीं मिला। अभी भी नहीं। सभी रोजे रह रहे हैं? हाँ रमजान से। क्या नाम है आपका? सुजलाल अग्रवाल। कहाँ कहाँ रह रहे हैं आप? कसाईपाड़े में। क्या समस्या क्या है? पानी की समस्या है, आईनारो 8-10-15 दिन आई हूँ सर, बिल्कुल नहीं आ रहा पानी। तो कहीं कहा है किसी से? अधिकारी गई और बंद गई है, कोई से सुन नहीं रहा है बिल्कुल भी। एक एक छात्र 5-7 दिन में एक छात्र जाके तमाम लोग ये। क्या नाम है आपका? अकील कुरैशी। क्या मामला है, आप कहाँ रह रहे हैं? कसाईपाड़े में वार्ड नंबर 7। समस्या क्या है? समस्या ये है पानी मोटी के लिए पानी नहीं मिल रहा है। हम जो मजदूर आदमी हैं अपने चले जाते हैं काम के लिए, भैया वाली घराती होती हैं पानी के लिए, पानी बिल्कुल नहीं मिला है। आपने किसी अधिकारी को या किसी प्रशासन को या नगर पंचायत को बताया आपने? वो तो मेरा भाई गया था, वो बताया। अरे बटन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुशीला। कहाँ रहती हैं आप? कसाईपाड़ा। क्या समस्या है आपकी? पानी की समस्या है। क्या समस्या? आपको दूध दही सोई मांग रहे? मतलब समस्या क्यों? पानी की समस्या ज्यादा है। कब से नहीं मिल रहा पानी आपको? महीना नहीं गए, कब से था? 2-4 दिन में महीना नहीं गए। तो किसी से कहा है कुछ? सुना माँ जहाँ जल मैं तिखिया में तो ये नल ला रहे, कल आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। हाँ मैं जाऊँ भैया, रोज रोज तुम पे जाना जाए।